तो सैमसंग का गैलेक्सी A80 और A70 दोस्तों कल बैंकॉक थाईलैंड में यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर हम वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के गैलेक्सी A80 के बारे में। ये दोस्तों इंडिया में कब आने वाला है, क्या इसकी प्राइसिंग होगी इंडिया में, और जो मेन फैक्टर है दोस्तों क्या ये वैल्यू फॉर मनी फोन होने वाला है या नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए जानना सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जरूरी चीज़ है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पहली बार आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम डेली की 2 वीडियोस लेकर आते हैं जिनमें एक होती है हमारी शाम की टेक न्यूज। तो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सैमसंग का गैलेक्सी A80 काफ़ी समय से इसकी वेट हो रही थी, आखिरकार ये लॉन्च हो चुका है। अब दोस्तों अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो सबसे पहले दोस्तों आप इसका फर्स्ट लुक देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों जो आपको मेन हाईलाइट फीचर है वो है आपको रोटेटिंग कैमरा देखने को मिलता है, यानी कि आपको फ्रंट में कोई कैमरा नहीं मिलेगा, आपको बैक में ही ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, वही आपका अगर आप फ्रंट कैमरा ओपन करोगे तो रोटेट होकर वो आपके फ्रंट कैमरे के रूप में काम करेगा। अच्छी चीज़ है, इनोवेटिव चीज़ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके फुल फीचर्स की, जानते हैं क्या प्राइसिंग होने वाली है इंडिया में और लॉन्च कब होगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A80 में आपको दोस्तों 6.7 इंच की एक सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले थोड़ा साइज मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा है, 6.5 इंच या 6.4 इंच ठीक थी, लेकिन 6.7 इंच है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको बड़ा फोन चाहिए डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर एक खास बात मैं आपको बताऊँ, जो बैटरी है वो ओनली आपको 3700 mAh की देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, क्योंकि अगर आपको 4000 mAh की तो कम से कम देनी ही चाहिए थी। बात करें टाइप सी पोर्ट आपको मिलता है, 25 वाट का आपको फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। मेन फैक्टर दोस्तों ये कि आपको चिपसेट कौन सा मिलता है, तो चिपसेट दोस्तों यहाँ पर 99% चांस है कि मिलने वाला है स्नैपड्रैगन का 730G, जो कि हाल ही में अभी मतलब क्वालकॉम की तरफ से लॉन्च किया गया है, क्योंकि अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन जो लीक्स है उसके हिसाब से आपको 730G कन्फर्म हो चुका है। बात करें वेरियंट की, तो दोस्तों आपको 8GB वाला वेरियंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अगर जो मेन फैक्टर है वो दोस्तों प्राइसिंग है, प्राइसिंग किस में लॉन्च हुआ है, तो ये दोस्तों मलेशिया में और बाकी देशों में लॉन्च हुआ है 50,000 रुपये की प्राइसिंग में, इससे ऊपर ये तो प्राइसिंग के हिसाब से क्या ये फ़ोन वर्थ है, तो बिल्कुल नहीं यार, प्राइसिंग के हिसाब से बिल्कुल ये वर्थ नहीं है, क्योंकि जो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिलता है उसका एपरेचर आपको 2.0 मिलता है जो बैक कैमरे में है। आजकल दोस्तों 1.7 के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 2.0 मिलता है, 48 मेगापिक्सल का है। जो सेकेंडरी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का, एपरेचर 2.2 के साथ अल्ट्रा वाइड है, और थर्ड कैमरा दोस्तों आपको यहाँ पर टफ सेंसर दिया गया है, और वही कैमरा दोस्तों एज ए आपका फ्रंट कैमरा काम करेगा। तो ये अच्छी बात है कि बैक वाला जो क्वालिटी है वो आपको फ्रंट में मिलेगी, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि जो इतने सारे फीचर्स हैं आपको 50,000 रुपये आपको पे करने पड़े इस फ़ोन के लिए। तो मेरे हिसाब से चिपसेट जो यूज़ किया गया है वो थोड़ा सा हल्का है, यहाँ पर 7 सीरीज का ही चिपसेट है बेसिकली, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ठीक है, मिड रेंज के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपये में लेना वर्थ नहीं है भाई मेरे हिसाब से। इंडिया में किस प्राइसिंग में आएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया में दोस्तों ये 45,000 से ऊपर ही आपको देखने को मिलने वाला है, और कब आएगा 29 मई से दोस्तों ये सेल पर जाने वाला है, तो मेरे हिसाब से इससे पहले ही अभी कम से कम 15 दिन बाद दोस्तों ये इंडिया में इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और 29 मई को शायद सेल के साथ ही आपको यहाँ भी ये देखने को मिल जाए। तो अभी काफ़ी टाइम है, बट फोन वर्थ है मेरे हिसाब से यार, फोन की प्राइसिंग ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन हैं जो आपको बहुत कम प्राइसिंग में देखने को मिल रहे हैं। वन प्लस 7 है 40,000 पर आपको देखने को मिलेगा, ओप्पो रेनो है 40,000 पर आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 855 के साथ, ओनर 20 प्रो है 30,000 में आपको देखने को मिलेगा किरीन 980 के साथ, और उसमें जो कैमरा है ना उसको शायद ये बीट भी ना कर पाए। तो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस फ़ोन है, आप लें, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो बिल्कुल आप पैसों को वेस्ट कर सकते हैं, बट ये फ़ोन मुझे पसंद आया है, बट एज ए प्राइसिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो ये थी मेरी ओपिनियन, आप ज़रूर बताइए आपकी क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, इतनी प्राइसिंग 50,000 रुपये देना इस फोन के लिए वर्थ है या नहीं है। इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो में फिर मैं लगा दूँगी, तब तक के लिए जय जय भारत।